अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। इतवार बरोज इतवार यहाँ पर एक दौरा हुआ था माननीय आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, शमीम खान साहब, दीगर एनसीपी के लोग और मैं भी साथ में था। तो हमारे ओवर कंस्ट्रक्शन के जो ओवर कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं उनकी जो काम थे उनकी काम की जो एक यादी हमको दी गई थी उसमें यह था कि आज ये तकरीबन दो साल से ये मामला था कि ये जो रैबिट का इनके रोड के सामने था जिसकी वजह से पानी भी रुक रहा था और मच्छर और गंदगी भी काफ़ी समय से अब तक बास आना सब ये हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने इनसे वादा किया था कि 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको मैं क्लियर करके देता हूँ। तो आज इनका जो कामों की जो फेरी लिस्ट थी उसमें का जो पहला काम था अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में ये काम करवा लिया मुझसे और इंशाअल्लाह आगे भी और जितने इनके दीगर कामात है एवर कॉम्प्लेक्स के लोगों के अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप लोगों की सारे लोगों की उससे माध्यम से इंशाअल्लाह और अवार्ड साहब के साथ की वजह से ये सारे काम अल्लाह ने चाहा तो मैं करके इनके दे दूंगा। ये अवार्ड साहब को हम लोग ने कंप्लेंट किए थे इसके बारे में, यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है, तो अवार्ड साहब ने हमारा सुने और ये क्लीन करवाए। तो कॉम्प्लेक्स की तरफ से अवार्ड साहब को बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। अवार्ड साहब आए थे क्या? अवार्ड साहब आए थे, क्या बोले? वो बोले कि 2-3 दिन में मैं करवा दूंगा। ये क्या तकलीफ क्या हो रही थी आप लोगों को? ये मच्छर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इधर। अच्छा, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये से बिल्डर ने हमको 20 मीटर का रोड दिए थे जो डीपी रोड है प्लान में, तो इसको बिल्डरों ने कब्जा किया था, डंपिंग किया था, जैसे इसमें कचरे मिट्टी गोली उससे सोसाइटी में बहुत मच्छर आ रहे थे और कई बच्चे बीमार हो रहे थे, बहुत सी शिकायतें थी ऐसा। तो हमने हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को यहाँ पे इनवाइट किया, ये सब कंप्लेंट थी हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लेंट सुनी गई और जो हमको तकलीफ थी वो तकलीफ पे आवाड साहब उसको पूरा करके दिए, जो भी हमारी डिमांड थी। और भी कुछ डिमांड है तो इंशाल्लाह वो भी आगे प्रोसेस में है, आवाड साहब पूरा करेंगे। आवाड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूआर कॉम्प्लेक्स वालों की तरफ से, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।